पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने के बाद दोबारा सत्ता में आने पर भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकोनो स्टेडियम में चल रहा है, जहां योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर से लेकर वाराणसी और उत्तर प्रदेश के दूसरे मंदिरों में भाजपा समर्थक विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित पंचमुखी मंदिर, जैन मंदिर आदि जगहों पर ब्राह्मण बंधुओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा और क्षेत्रवासियों द्वारा मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। दोबारा सरकार बनाने के उपलक्ष्य में जैन मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर पर सभी ब्राह्मण बंधुओं द्वारा, व्यापारियों द्वारा, यहाँ के क्षेत्रवासियों द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ किया गया और आरती की गई और उसके बाद प्रसाद बांटा गया। क्या कहना चाहेंगे और योगी जी के शपथ ग्रहण को लेकर? मैं सभी देशवासियों, उत्तर प्रदेश के वासियों से यही आग्रह करूँगा कि बढ़ चढ़कर योगी सरकार को सफल बनाने में, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सरकार का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, पूजा अर्चना कब तक करेंगे आप? ये पूजा अर्चना जब तक योगी जी शपथ लेंगे, जब तक ये पूजा अर्चना बरकरार चलती रहेगी। कहाँ कहाँ की जा रही है? और ये अभी तो जैन मंदिर के किराए पर की जा रही है, सभी अधिकार सभी मंदिरों में हो रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।